वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफी ज्यादा अच्छे और मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा इस लास्ट मोमेंट में, जो आपका रिक्वायरमेंट्स है उसको केटर कर रहे होंगे ये सारे वीडियोस। और एक इस भी सारे वीडियोस में काफी ज्यादा मेहनत लगता है हमारा, काफी रिसर्च करते हैं हम लोग, और उसके बाद आपको ये वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपका फीडबैक काफी अच्छा आ रहा है अभी तक वीडियोस में, साथ साथ आप आंसर्स भी लिख के भेज रहे हैं, और उसके बाद काफी ज्यादा वी आर हैप्पी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू आर एबल टू ऑल्सो राइट द आंसर्स एंड सेंड इट बैक टू अस। सो दैट्स अ गुड न्यूज, बट आई होप कि आप इस चीज को कंटिन्यू करो एंड कीप एंजॉइंग द लेक्चर्स एंड जस्ट ट्राई टू एनरिच योर कॉन्टेंट्स सो दैट इट कैन बिकम अ गेम चेंजर फॉर यू इन द लास्ट मोमेंट। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज विच इज रेलिवेंट फ्रॉम योर इंटरनेशनल परस्पेक्टिव, दैट इज रिलेटेड टू G20। एंड यू नो दैट इंडिया हैज बीन नाउ मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द G20, एंड दैट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज बीन कॉलोनाइज फॉर 200 ईयर्स, एंड नाउ वी आर बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म विच एंश्योर्स द आवर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी at the global level. So that's a very big moment for India. Aur usi context mein we'll try to understand what is G20, how G20 came into picture, and what is the significance of G20 for India, what are the challenges for India being the president of G20 this year, and what can be done to remove those challenges so that the G20 becomes a successful event for India's diplomacy. So let us begin. So before going into India and G20, we'll try to cover अबाउट G20। तो आपको पता है कि G20 का ऑरिजिन कैसे है, पहले आपको ये सी समझना पड़ेगा कि G20 किस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज किया था। तो आपको पता है G20 के पहले G7 था। G7 वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, और G7 कंट्रीज आपको 1975 में बनाया गया था। उस समय G7 कंट्रीज जो थे वो ग्लोबल GDP का 80% GDP कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन 1990 के बाद आपको पता है जब ग्लोबली कैपिटलिज्म फैला, ग्लोबली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हुई, ग्लोबली कम्युनिज्म बिकेम अ डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस बढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन एक नए दौर से गुजरने रहा था, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो कंट्रीज के इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, जो इकोनॉमी का इंटरलिंकेजेस है, जो फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसीज है, वो सारे चीजें काफी ज्यादा तेज रेट से बढ़ रहे थे। और यही चीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें कब देखने को मिला, ड्यूरिंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इन द लेट 1990s। उस समय यह देखा गया कि अगर दुनिया में किसी एक कंट्री के ऊपर इंपैक्ट होता है, बिकॉज बाकी कंट्रीज उस कंट्री के साथ इंटीग्रेटेड हैं, तो उन सारे कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट होगा, और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आ सकता है। इसलिए G7 कंट्रीज को लगा कि नाउ वी ऑल्सो हैव टू इंक्लूड अदर डेवलपिंग कंट्रीज इनटू सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, और वी आर नॉट द ओनली कंट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजर चंक ऑफ द ग्लोबल GDP, बट देयर अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द ग्लोबल GDP, एंड हेंस दोज कंट्रीज आर ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड हेंस दे शुड बी इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। इसलिए G7 तो अभी भी है, बट G7 के बाद G20 को बनाया गया। सो बेसिकली G7 कंट्रीज ने ही G20 को बनाए बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जहां पे बाकी कंट्रीज भी डेवलप करना स्टार्ट हुए, कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंसी आपस में बढ़ने लगी, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में यही देखा गया कि अगर ग्लोबल लेवल पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो, तो अब G7 कंट्रीज अकेले इस स्टेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें बाकी लोअर मिडिल इनकम कंट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन एंश्योर द स्टेबिलिटी एट द ग्लोबल लेवल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में G20 का आपका इमर्जेंस होता है। जो वही चीज यहां पे लिखा गया है कि द ग्रुप ऑफ 20 इज कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज एंड प्लस यूरोप यूनियन दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 एंड 1999 व्हेन द G7 द ग्रुप 7 कंट्रीज कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड वेज टू अरेस्ट द स्लोडाउन। तो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो एक स्लोडाउन था, उससे कैसे लड़ सकते हैं, ग्लोबली कैसे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, यही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था। बिकॉज ऑफ दैट G7 के जो कंट्रीज थे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स
अक्रॉस द 20 कंट्रीज, इन सब का मीटिंग बुलाया और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका G20 हमारा इमर्ज करता है। What is the aim of G20? It is to secure the global financial stability by involving the middle income countries. So G7 realized that now the game is not only with us. We need to include the middle income countries into that game. Otherwise, the game would become meaningless. Otherwise, the stability can never be ensured at the international stage. The global economy can never recover from this ancient financial crisis. And that's why in sare countries ko lana padega. Or collectively, we have to fight this challenge. Or isi context mein, G20 became the normal discourse. और G20 कंट्रीज का देखो 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है और दो तिहाई दुनिया का पॉपुलेशन आपको यहां पे आता है। एंड दैट्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 इन द रीसेंट टाइम्स। देन लेट्स टॉक अबाउट, ये देखो G7 आपकी ये कंट्रीज है जो सबसे मोस्ट एडवांस कंट्रीज है, ये सारे G7 है। G7 के बाद आगे जाके G8 में रशिया को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन आफ्टर द क्राइमिया एनेक्सेशन इन 2014 बाय रशिया, तो उसके बाद रशिया को G8 से हटा दिया गया, तो G8 वापस से G7 हो गया। और इसी G8 में इफ वी ऐड दीज कंट्रीज एंड वन यूरोप यूनियन, तो ये मिलके हमारा G20 आपका बनता है। सो दिस इज अ वेरी अगेन इंटरेस्टिंग डायग्राम और अ फिगर यू कैन रेफर टू। आप इसमें देखो G20 में कौन कौन है, तो G7 में देखो जर्मनी, यूके, फ्रांस, कैनेडा, जापान, इटली, यूएस, ये सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी यही से आता था, बट 1990 के बाद ये कंट्रीज में अब इंपॉर्टेंट होने लगे, ये इन कंट्रीज का इंटरडिपेंडेंसी इन कंट्रीज के ऊपर बढ़ने लगा। अब मान लो कंट्रीज लाइक चाइना कोलैप्स करती है, तो यूएस में भी रिसेशन आ सकता है, यूके में भी रिसेशन आ सकता है, जापान में भी रिसेशन आ सकता है, बिकॉज चाइना हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। आज की बात नहीं कर रहे, उस समय की भी बात करो तो आज तो इनफैक्ट चाइना हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो दैट्स अनदर थिंग। बट चाइना इन इटसेल्फ सिंस 1990s, ये सारे कंट्रीज जो हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, ये पिक्चर में आने लगे। उसके बाद अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं कि G20 का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एक तो हमने बात कर लिया कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में जो G7 कंट्रीज है उन्होंने ऐसा मीटिंग को कन्वीन किया था, उसके बाद G20 एज अ कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज हुआ। तो देखो फोरम किसका था, G20 में पहले कौन कौन लोग मिलते थे, जब बना था G20 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 20 कंट्री के, 19 कंट्री और यूरोप यूनियन के, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे, पहले केवल यही लोग मिलते थे। और इनका काम क्या था, टू बेसिकली डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल इश्यूज, इन चीजों के ऊपर बात करना इनका ऑब्जेक्टिव था। Then the next big evolution of G20 came during the time of 2007. Again, the world was put under a major challenge. आपको पता है 2008 में global financial crisis आ गया था। अब यहां पे अगेन G20 जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कैसे इस स्लोडाउन को रोका जाए, कैसे दुनिया को रिसेशन में जाने से रोका जाए। और यहां पे G20 ने आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पहला कि जो G20 की मीटिंग पहले फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में हुआ करता था, नाउ द G20 वाज अपग्रेडेड टू अ समिट लेवल, मतलब अब सारे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट एनुअली मिलेंगे। जैसे इस साल इंडिया में सितंबर में सारे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट इंडिया आके मिलेंगे, तो फ्रॉम बीइंग अ फोरम ऑफ एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर, नाउ द फोरम वाज अपग्रेडेड टू अ समिट लेवल। और साथ ही साथ इस पूरे क्राइसिस से लड़ने के लिए सारे 20 कंट्रीज, 19 कंट्री और यूरोप यूनियन कलेक्टिवली दे सिंक्रोनाइज देयर पॉलिसीज, दे कलेक्टिवली पंप्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द इकोनॉमी, और उसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट बहुत हद तक ये कंट्रीज, ये ग्रुप, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कम हुआ। So, yeah, dekho, the next big leap came during the global financial crisis in 2007. First G20 summit was held in 2008. Collectively, those countries' spending boost worth of $4 trillion. Aur uski wajah se slowdown kafi kam hua. Lekin, ye jo itna enthusiasm tha, ye jo positiveness tha, ye jo proactiveness tha, ye zyada din tak raha nahi. Because now the international global order started to change. चाइना का स्ट्रैटेजिक राइज हुआ, तो चाइना का स्ट्रैटेजिक राइज हुआ तो वेस्ट स्टार्टेड टू बिकम स्केप्टिकल ऑफ चाइनाज इंटेंशन। नाटो का एक्सपेंशन और रशिया का क्राइमिया का एनेक्सेशन होना, उसकी वजह से अगेन रशिया और वेस्ट के बीच में लड़ाई, चाइना रशिया का बॉन्ड होमी बढ़ने लगा। इसके बाद G20 एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो 2008 में काफी ज्यादा एक्टिव था
और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने के लिए वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के इंपैक्ट को कम किया. सो दैट वाज अ मेजर लीप, बट इसका जो एंथुसियाज्म था, इसका जो प्रोएक्टिवनेस था, ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया बिकॉज अगेन द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स स्टार्टेड टू कम इनटू द पिक्चर. और आज यही ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है कि आज जो G20 समिट इंडिया में हो रहा है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और किस तरीके से चाइना है और रशिया एक तरीके से नो लिमिट फ्रेंडशिप के अंदर आ चुके हैं और उनकी वजह से आज G20 समिट और जो G20 के जो हमारे मीटिंग्स चल रहे हैं अभी आप देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया, उन सारे में प्रॉब्लम्स आ रहा है. सो G20 ऑर्गेनाइजेशन का बनना, उसके बाद 2008 में उसका एक मेजर लीप लेना, ये इतने कुछ होने के बाद उसके बाद से G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड टू डिलीवर अप टू दैट प्रॉमिस. Although still it is a very significant organization, or in fact it is the only organization which is there to ensure the macroeconomic stability at the global scale, but the promises or but the expectations which are from G20, that has become that has perished because of the great power politics. And that great power politics is basically because of the China's strategic rise and the second NATO's expansion and Russia's counter-offensive measures such as the Crimea annexation followed by the Ukraine war. So G20 काम कैसे करता है ये थोड़ा समझ लो. सबसे पहले G20 का कोई permanent secretariat नहीं है, ठीक है, बिकॉज G20 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर साल रोटेट होते हैं. तो जिस भी कंट्री के पास G20 का प्रेसिडेंसी है वो उस कंट्री का टेम्पररी सेक्रेटेरिएट वहीं पे रहता है. सो G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, पहला बात. सेकंड, G20 का जो समिट है वो आपको एनुअली होता है, हर साल समिट होता है, और उस समिट का प्रेसिडेंट कौन होगा, वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है. तो आप देखो यहां पे जैसे हमारा इंडिया 2023 में है प्रेसिडेंट, 2022 में इंडोनेशिया था, और 2024 में अगले साल कौन होने वाला है, ब्राजील. इसी को ट्रॉयका कहते हैं, इसी को वी कॉल इट एज ट्रॉयका. ये तीन कंट्रीज होते हैं और ये तीनों कलेक्टिवली मिलकर, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को इस साल G20 का एजेंडा सेट करना है तो जनरली इंडिया डज इट विद द हेल्प ऑफ इंडोनेशिया ब्राजील. तो ये तीनों कंट्री मिलके इस साल का एजेंडा सेट करते हैं, इसे वो कहते हैं ट्रॉयका ग्रुप. तो G20 कंट्रीज वर्क इन दिस ट्रॉयका मैकेनिज्म, ठीक है. सो यहां पे देखो G20 समिट एनुअली होता है और लीडरशिप आपको लाइज विद द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी. G20 के दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, G20 दो लेवल पे पैरेलली चलती है. पहला जो ट्रैक है वो फाइनेंस ट्रैक है और सेकेंड जो है वो शर्पा ट्रैक है, ठीक है. तो पहला कौन सा है आपका, फाइनेंस ट्रैक, एंड सेकेंड इज द शर्पा ट्रैक. फाइनेंस ट्रैक में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. और शेरपा ट्रैक्स में कौन करते हैं, जो इंडिया का शेरपा. शेरपा बेसिकली क्या होता है, शेरपा इज वन ऑफिशियल पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द लीडरशिप. फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जैसे अभी हमारे G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे जो पुराने सीईओ थे नीति आयोग के, तो उनको इंडिया ने शेरपा बना दिया है. तो शेरपा का बेसिकली काम क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है उसको ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के सामने रखना. तो शेरपा वो होता है, इट्स ऑफिशियल पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑफ स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो G20 से दो ट्रैक पे काम करता है, एक फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक. फाइनेंस ट्रैक के अंदर कौन मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. और शेरपा ट्रैक के अंदर कौन मिलते हैं, जो हर कंट्री का अपना शेरपा अपॉइंटेड होता है. द प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो कौन करता है, ट्रॉयका. ट्रॉयका में वही हो गया, वो तीन कंट्रीज और OECD जो है, ठीक है, वो आपका एडवाइजरी रोल इसमें प्ले करती है. एंड द G20 डॉक्यूमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट आपका नहीं है. तो ये आपको अपने आंसर में पहले बताना पड़ेगा कि G20 का ऑरिजिन कैसे हुआ था और G20 कैसे काम करता है. तो ये आपको थोड़ा सा चीज यहां बताना पड़ेगा. उसके बाद अगर इंडिया एंड G20 की बात करें हम लोग, तो इंडिया आपको पता है कि प्रेसिडेंट हो चुका है December 1, 2022 से लेकर November 30, 2023 तक. और अगर हम G20 लोगो थीम, अगेन ये सब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और उसका एक सिग्निफिकेंस भी है तो आपको याद करना पड़ेगा. तो जो हम ये देखो, ये जो हमारा G20 का लोगो है, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं. सो देखो द G20 लोगो इज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, ठीक है, सैफ्रन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू. तो ये जो हमारा G20 का सिंबल देखो आप, लोगो देखो, ये देखो, ये जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो हमारे इंडिया के फ्लैग से इंस्पायर्ड है, ठीक है. इट जक्स्टा पोजेस प्लैनेट अर्थ, यहां पे देखो प्लैनेट अर्थ है और प्लैनेट अर्थ किसके ऊपर है, लोटस के ऊपर है. तो ये बेसिकली क्या सिग्निफिकाई करता है, जो लोटस है वो क्या है आपका, इंडिया का नेशनल फ्लावर.
और लोटस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ एमिड द चैलेंजेस, तो जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद द ग्रोथ हैज टू हैपन, तो लोटस का मतलब ये हो गया। और प्लैनेट क्यों दिखलाया गया, प्लैनेट का मतलब कि हमारा जो पूरा अप्रोच रहेगा G20 के लिए इट इज प्रो प्लैनेट, सो वी वॉन्ट टू कंसिडर एंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट हैपन्स, मतलब ये नहीं कि वी जस्ट वॉन्ट ह्यूमन्स टू डेवलप, वी ऑल्सो वॉन्ट द एनिमल्स टू डेवलप, वी ऑल्सो वॉन्ट द इको सिस्टम टू डेवलप, तो दिस इज कॉल्ड द प्रो प्लैनेट अप्रोच, ठीक है। सो ये सिम्बोलिज्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे it juxtaposes the planet earth with the lotus India's national flower that reflects growth amid the challenges, and what does the earth reflects, the earth reflects the India's pro planet approach to life, one in perfect harmony with the nature. Below the G20 logo is Bharat, aur ye jo Bharat hai that has been written in the Devanagari script. What is the motto for G20? Recover together and recover stronger. Ye motto kyu rakha gaya, because after the pandemic there has been a huge economic loss for many countries, many people have fallen below the poverty line, there is a emerging food insecurity, food crisis which is happening at the global level, isliye out of this thing we have to emerge in a stronger manner. So isliye motto rakha gaya recover together and recover stronger. फाइनली जो हमारा थीम है दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो दिस इज वॉट इंडिया का जो हमारा सिग्निफिकेंस है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इट इज वेरी मच टॉक्स अबाउट द प्रो प्लैनेट, इट टॉक्स अबाउट सबका साथ सबका विकास, इट टॉक्स अबाउट यू नो नॉन वायलेंस, इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, और वो पूरे G20 का हमारा एजेंडा है। सो ये इसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट पावर का एक्सप्रेस करना। सो इंडिया थ्रू इट G20 इज ट्राइंग टू शो दैट कि I am not being the president of G20. I do not want only the development of these 20 countries. Rather, my objective is to ensure that this platform works for the entire humanity. This work works for the entire planet. तो यही इंडिया का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें केवल 20 कंट्री से मतलब नहीं है, हमें इस पूरे दुनिया से मतलब है, हमें दुनिया में केवल ह्यूमन से मतलब नहीं है, हमें दुनिया में हर एक स्पीशीज से मतलब है, हमें इकोसिस्टम से मतलब है, हमें इन्वायरमेंट से मदद है, हमें नेचर से मदद है, हमें हर चीज से मतलब है। सो दैट्स व्हाट इंडिया हैज ट्राइड टू शो बाय दिस लोगो थीम एंड मोटो। उसके बाद डिटेल्स की बात करते हैं, तो क्या क्या डिटेल्स, बेसिकली 200 मीटिंग होने वाले 50 सिटीज में 2023 में। हमारे पास सितंबर में G20 का न्यू दिल्ली समिट होगा, तो समिट में जब आपके सारे हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, 20 कंट्रीज के आएंगे और साथ ही 19 कंट्री के आएंगे, यूरोप यूनियन का जो आएगा रिप्रेजेंटेटिव, और साथ साथ बहुत सारे कंट्री को इंडिया ने स्पेशल इनवाइट भी भेजा है, बांग्लादेश इजिप्ट जो G20 के बाहर है बट इंडिया ने उनको एक स्पेशल इनवाइटी की तरह बुलाया है, जैसे होता है ना स्पेशल इनवाइटी, जैसे इंडिया को अभी G7 में जो जापान में होने वाला है उसमें एक एज अ स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है। सो इंडिया ने भी बहुत सारे कंट्रीज को एज अ स्पेशल इनवाइटी इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है। अब इंडिया का जो प्रायोरिटी है, इंडिया की गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज हैं, वो पांच प्रायोरिटीज इंडिया ने कहा है कि ये पांच प्रायोरिटीज हैं हमारे। पहला प्रायोरिटी क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। लाइफ का मतलब पता है आपको, इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये गवर्नमेंट का ही यू नो स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है कि पांच प्रायोरिटीज है। पहला क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एंड अदर थिंग्स हाउ इट इज डिस्ट्रप्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अवर लाइफ। क्लाइमेट फाइनेंस, आपको पता है क्लाइमेट फाइनेंस कितना कम है, द डेवलप्ड कंट्रीज विच हैज प्लेड टू कमिट $100 billion बाय 2025, अभी तक वो कुछ बाय 2020 दैट हैज फेल्ड टू कंप्लीटली मटेरियलाइज। एंड लाइफ, जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन वेरी मच चैंपियन इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वेयर एनवायरमेंट चेंज इज नॉट, और क्लाइमेट चेंज हैज टू नॉट बी अरेस्टेड ओनली बाय गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी, बट टू अरेस्ट द क्लाइमेट चेंज देयर हैज टू बी अ बिहेवियरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ वी लिव आवर लाइफ। तो हमारा जो इंडिया का होता है ना, जैसे ये कंज्यूमरिज्म की वजह से क्या हो रहा है आज, ये कंज्यूमरिज्म कहां से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है। एसी हल्का सा खराब हुआ बदल दो, गाड़ी 2 साल पुराना हुआ बदल दो। तो पहले के लोग इंडियंस क्या यूज करते थे, वी ट्राई टू यूज एज मच एज वी कैन, वी ट्राई टू रीयूज अगेंस्ट वंस व्हाट वी हैव यूज्ड। सो दैट्स व्हाट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इज बेसिकली ऑल अबाउट। देन एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। अगेन, आपको पता है इंडिया और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनइक्वालिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे रोका जाए, इसलिए हमारे पास एमएसएमईज पे फोकस किया जाएगा, लेबर राइट्स पे फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स को इंक्लूसिव बनाया जाएगा। देन थर्ड प्रायोरिटी इज एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें भी जो हमारा SDG गोल है उसको जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू अचीव। SDG पता है आपको 2030 तक वी हैव टू अचीव, तो वो है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि इंडिया although मैन्युफैक्चरिंग में हम उतने अच्छे हैं नहीं, बट जो इंडिया का एक बहुत इमर्जिंग एसेट बन के आ रहा है दैट इज आवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब UPI, आपके पास आधार बेस्ड पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो गया, तो ये सब क्या है, डिजी लॉकर,
ये सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि किस तरीके से अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं तो वी कैन काउंटर मेनी प्रॉब्लम्स विच द ह्यूमैनिटी इज फेसिंग, और ये इंडिया का फोर्टे है, इसलिए इंडिया को इसको और ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, आपको पता है कि मल्टीलैटरलिज्म हैज बिकम डेड बिकॉज द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। सो आप देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी इंडिया मेंबर नहीं है। हाउ इट इज इट्स नॉट पॉसिबल कि 140 करोड़ पॉपुलेशन जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं है। इसलिए कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि मल्टीलैटरलिज्म नीड्स अपग्रेड, हमने नॉर्म्स NORMS करके प्रिंसिपल भी लाया है फ्रॉम रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, ये सब IR में पढ़ते हैं। सो अगेन ये भी है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कैसे बचाया जा सके, और बचाने के लिए एक ही चीज करना पड़ेगा कि वी हैव टू रिफॉर्म एंड वी हैव टू एंश्योर दैट द करंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट द करंट वर्ल्ड ऑर्डर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच वाज देयर पास्ट 70-75 ईयर्स बिफोर। उसके बाद लास्ट है वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो किस तरीके से हमें डेवलपमेंट, जो आपको पता है कि वुमेन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन बेस्ड इनइक्वालिटी अभी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है ग्लोबल लेवल में, तो उसमें वुमेन सेंट्रिक अप्रोच लेके हमें जो रिकवर करना है आफ्टर द पैंडेमिक, सो वी हैव टू एंश्योर दैट वुमेन बेस्ड प्रायोरिटीज आर ऑल्सो फुलफिल्ड। उसके बाद व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों G20 का प्रेसिडेंट बनना एक सिग्निफिकेंट मैटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है जिसको हमने क्रॉस किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वर्ल्ड के लिए, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 फॉर इंडिया। तो सबसे पहले G20 प्रेसिडेंसी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अमृत काल। आपको पता है कि इंडिया इज एंटर द अमृत काल, जब इंडिया फ्रॉम 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी 2022 में अप टिल द 100th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, और इस जो पूरा 25 साल का समय है दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इसी 25 साल में इंडिया हैज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये अमृत काल का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कॉन्सेप्ट है कि इस 25 साल में हमें सबका प्रयास लगेगा, और वो जो अमृत काल स्टार्ट हो रहा है वो एक बहुत अच्छे नोट से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज जस्ट लास्ट ईयर 2022 में इट स्टार्टेड एंड दिस ईयर वी हैव बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द G20। सो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अमृत काल। इंडिया कैन बी द वॉइस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। आपको पता है कि जो ग्लोबल साउथ है इसके प्रॉब्लम्स काफी अलग हैं, और इंडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकता है किस तरीके से ग्लोबल साउथ का वॉइस हम लोग रख सकते हैं, ग्लोबल गुड्स पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। ग्लोबल गुड्स का मतलब ब्लू इकोनॉमी, ग्लोबल गुड्स का मतलब स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो इन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो बहुत सारे कंट्रीज को कुछ बहुत फायदा मिला है और बहुत सारे कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपैक्ट भी झेलने को मिल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ वी कैन ग्लोबलाइज कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट वाला जो सेंट्रिक अप्रोच है कि फ्री मार्केट कर दो पैसे कमा लो, रादर वी हैव टू एंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन और उसका जो फायदा है वो, और जो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से हम लोग कंडक्ट करते हैं उसका पैरामीटर होना चाहिए कि वेदर दैट ग्लोबलाइजेशन इज एंश्योरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट और नॉट। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया विल ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, एंड देन अगेन इंडिया कैन यूज सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम बींग अ रूल टेकर टू बींग अ रूल मेकर। तो आपको पता है कि जितने भी ग्लोबल लॉ हैं आज, चाहे वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी हो गया, चाहे वो हमारा यूनाइटेड नेशंस हो गया, चाहे वो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हो गया, चाहे कोई भी और लॉ हो जाए, इन सब चीजों में इंडिया का जो रोल है इन लॉ को फ्रेम करने में वो बहुत कम रहा है, ठीक है, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट दैट पावरफुल कंट्री, इंडिया वॉज नॉट दैट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्री। बट नाउ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक लेवरेज, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग डिफेंस पावर, इंडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, एंड नाउ इट इज अ टाइम कि इंडिया बाय दिस प्लेटफॉर्म एंश्योर्स दैट कि नाउ विल नॉट एक्सेप्ट द रूल मेड बाय द वेस्ट, रादर विल दिस एंश्योर दैट रूल्स आर मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग आवर वॉइसेस। तो आज जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, सच एज क्रिप्टो करेंसी, सच एज साइबर स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस, उन चैलेंजेस में कैसे इंडिया कैन यूज सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू फ्रेम सच रूल्स व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। सो दैट्स व्हाई G20 के थ्रू इंडिया कैन ट्रांजिट फ्रॉम रूल टेकर टू बीइंग अ रूल मेकर। सॉल्व द इंटरमीडिएट चैलेंजेस रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें भी डिप्लोमेसी के थ्रू G20 प्लेटफॉर्म इज अ राइट प्लेटफॉर्म, और साथ साथ इंडिया पता है आपको G20 का भी प्रेसिडेंट है
और एससीओ का भी प्रेसिडेंट है। तो इंडिया का जो अमृत काल में स्टार्ट हुआ है वो इतने पॉजिटिव नोट से है कि इंडिया इज सून यू नो एक कॉन्फिडेंस है, एक मॉरल बूस्टर की तरह एक्ट किया है, और इसी का फायदा हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर वेयर इंडिया विल बी मच मोर प्रोएक्टिव एट द इंटरनेशनल लेवल। बट व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है कि भाई जो G20 का समिट है ये कोई बहुत अच्छे समय में नहीं हो रहा है। आज का जो समय है उसमें आप देखो क्या क्या चैलेंजेस है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, रशिया यूक्रेन, इकोनॉमिक स्लोडाउन है आफ्टर द पैंडेमिक, राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस बिकॉज ऑफ अगेन रशिया यूक्रेन वॉर एंड द लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, अदर थिंग्स हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इन सारे चीजों के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए G20 का प्रेसिडेंट होना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ कम्युनिटिवली एक्ट कर रहे हैं। और यही चैलेंजेस हमें देखने को मिला जब G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, जब G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, क्योंकि G20 बहुत सारे मीटिंग्स है, समिट लेवल मीटिंग सेप्टेंबर में, बट उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगा, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग होगा। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग था उस समिट में, उस मीटिंग में कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं रिलीज हो पाया। ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब जो स्टेटमेंट जिसमें 19 कंट्री और यूरोप यूनियन है सारे लोग मिलकर एग्री करते हैं, बट ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारा रिलीज हो ही नहीं पाया बिकॉज दो कंट्री ने ब्लॉक कर दिया उसको पास होने से। वो कौन कौन थे? चाइना और रशिया। बिकॉज दो पैराग्राफ्स ऐसे थे उस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, 24 पैराग्राफ थे, आई गेस उस 24 पैराग्राफ में से पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 जो थे उसमें देवर स्केप्टिकल ऑफ रशिया बिकॉज रशिया को उसमें एक तरीके से एग्रेसर बताया गया था इन दिस होल रशिया यूक्रेन वॉर, और इसीलिए वो दोनों कंट्री ने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर वीटो ब्लॉक कर दिया, एंड दैट्स वाई उसका एक स्मॉलर वर्जन शेयर समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला गया। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इंस्टेड ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट व्हाट वाज रिलीज बेसिकली अ शेयर समरी एंड आउटपुट आउटकम डॉक्यूमेंट। सो इट्स बेसिकली अ माइल्डर वर्जन ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई, और इससे पता क्या चलता है कि इंडिया जो इतना ऑप्टिमिस्टिक है हम G20 में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया आपने क्यों नहीं किया यहां पे? व्हाई यू आर नॉट एबल टू कन्विंस रशिया एंड चाइना टू एग्री ऑन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट? सो दैट शोज की लिमिट्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, दैट शोज की वर्ल्ड इज हाईली पोलराइज्ड, दैट शोज द लिमिट ऑफ इंडियाज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम G20, एंड हेंस इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के अब इंडिया आने वाले समय में जब फाइनली समिट लेवल मीटिंग होगा सितंबर में कि कैसे इन सारे कंट्रीज को एक साथ कर सके सो दैट समिट लेवल का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हो, और वहां पे ऐसा ना हो कि अगेन कोई ब्लॉक कर दे और ज्वाइंट स्टेटमेंट G20 का इस साल रिलीज ही ना हो पाए। तो इसलिए इंडिया के लिए एक आई ओपनर है कि किस तरीके से इंडिया को इसमें एक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो G20 का फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का जो मीटिंग हुआ था उसमें अगेन ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं हो पाया, अगेन वही आउटकम वाला करके हुआ। और ये देखो पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 उसके बाद the significance, but despite of all these things, despite of Russia, China blocking these things, but still G20 as a platform ko agar overall analyze karoge, so G20 platforms work in a very credible manner. Aap dekho 95% jo agenda tha, kuch agar topics chhod do, Russia, Ukraine war and other things, but most of the things mein the G20 countries have shown convergences. So that's a very great point for Indian diplomacy. Ki theek hai, Indian diplomacy kuch had tak limits thi, but bahut jagah Indian diplomacy ne ensure kiya ki health ke mudde pe, global economic रिकवरी के मुद्दे पे, कोविड पैंडेमिक के मुद्दे पे, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन के मुद्दे पे एक कंसेंसस को बनाया जा सके, और इसीलिए सारे कंट्रीज ने मिलकर हमारा बनाया। एंड साथ ही साथ जो G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग था उसमें भी आपको पता है कि अभी देखो श्रीलंका का हाल डेट क्राइसिस में डूब गया था, तो किस तरीके से जो डेट वल्नरेबिलिटीज है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में, उसमें किस तरीके से ग्लोबली G20 कंट्रीज और उन सारे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स ये सब मिलकर कैसे उन कंट्रीज की जो डेट क्राइसिस है उसको ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, सिग्निफिकेंस क्या है G20 और इंडिया के प्रेसिडेंसी का, कि ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया हैज बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस। ऑल्दो सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज लाइक रिलेटेड टू द वॉर, रिलेटेड टू द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, वहां पे कंसेंसस नहीं बना पाया है, बट इन मोस्ट ऑफ द 95% ऑब्जेक्टिव इंडिया हैज शोड दैट इट्स डिप्लोमेसी डिलीवर्स टू द एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज द वे अहेड? अब जो समिट आएगा सितंबर में उसमें हमें क्या होना चाहिए? तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा चीज लिखा है, आप इसको याद करके अपने वे में लिख सकते हो एग्जाम में, वी शुड नॉट अलाउ इश्यूज दैट वी कैन नॉट रिजॉल्व टुगेदर टू कम इन द वे फॉर दोज वी कैन। मतलब जिन इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनको हमें करना चाहिए, ऐसा ना हो कि जिन इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी हम ना कर पाए बिकॉज वी फाइट ओवर द इश्यूज विद विच वी नॉट रिजॉल्व।
मतलब जिन चीजों को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते उन चीजों की वजह से हम जिन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं वो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. सो बिकॉज वी कैन नॉट रिजॉल्व दिस रशिया यूक्रेन वॉर दैट डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट एग्री एंड फाइट ओवर द फूड इनसिक्योरिटी. वी शुड फाइट ओवर द एनर्जी सिक्योरिटी, राइट? सो दैट्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज. एंड देन सेकंड प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज दैट ही होप दैट देयर मीटिंग इन द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्धा विल इंस्पायर द G20 डेलीगेट्स टू फोकस नॉट ऑन व्हाट डिवाइड्स अस एंड बट ऑन व्हाट यूनाइट्स अस. So that's again a very categorical message for Russia and the America, which is funding the Ukraine war, that boss, you are in the land of Gandhi and Buddha. So you should understand that more than differences, we all have convergences. और इसकी वजह से वॉर पे एक पूर्ण विराम लगना चाहिए. सो दैट्स व्हाट द कंट्री शुड फॉलो सो दैट जो समिट होने वाला है सितंबर में दैट बिकम्स अ सक्सेसफुल इवेंट एंड दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी आल्सो एंड इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल रूल मेकर एट द इंटरनेशनल स्टेज. और इससे क्वेश्चंस काफी इजी आएंगे आपके. डिस्कस अबाउट द G20 आल्सो मेंशन सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन. सो आई होप कि G20 इट्स देखो कि क्या बहुत करंट अफेयर्स टॉपिक है, लेकिन अगर आपका मेंस में पूछेगा तो यहां तक आप लिखते हो तो आपके हर एक एस्पेक्ट को G20 के ऊपर कवर कर दिया गया है. बिकॉज लेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाला जो हमने देखा था, चेयर्स आउटकम जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया, चेयर्स आउटकम मीटिंग वाला आया, तो दैट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो इस तरीके से G20 हमने कवर किया. अगेन वापस से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and feel free to write this answer, send it to me. Live one-to-one checking will be provided next day jab aap mail karoge uske baad. Thank you and all the best wishes. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.